हाँ तो बच्चों, अब पोर्टफोलियो की लास्ट क्लासेस चल रही हैं। टोटल में अगर हमको पोर्टफोलियो पांच पार्ट में करना था, पहला पार्ट किया आपने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, उसके बाद आपने किया कैपिटल मार्केट थ्योरी, फिर पार्ट नंबर थ्री में हम लोगों ने क्या किया था यार, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बाद पढ़ा था हमने पार्ट नंबर फोर, शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क्स। याद है उसमें कट ऑफ रेट निकालते थे हम लोग? हाँ सर याद है, बड़ा सा क्वेश्चन था। ठीक, उसके बाद किया था हमने पार्ट नंबर फाइव, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। उसमें ऑटो कोरिलेशन टेस्ट किया था हमने और एक रन टेस्ट किया था। ठीक है सर, एंड लास्ट लास्ट क्लासेस और पोर्टफोलियो हमारा खत्म हो जाएगा। एंड पार्ट नंबर सिक्स कर रहे हैं हम लोग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या पोर्टफोलियो रिवीजन। तो नाम लिखे? हाँ सर, पार्ट नंबर सिक्स। और नाम है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, या इसको हम पोर्टफोलियो रिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है सर, अब इसमें होता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल में है। ठीक है, और थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है, थ्योरी तो आता है। तो अब सबसे पहले ना हमको इसको ना दो सेक्शन में कर लेंगे, एक में पहला पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो सर ये पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग है क्या एक्चुअल में? बट एक बात मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे आप शेयर्स वगैरह खरीद लेते हो, बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगा लेते हो, हालांकि आपका जो टारगेट है वो तो ऐसा है कि चलो ठीक है, हमने रिलायंस का शेयर खरीदा है, कुछ पैसा बॉन्ड्स में भी लगाया है, कुछ पैसा गोल्ड में भी लगाया है, तो आपका उद्देश्य क्या है? क्या हमेशा ये पैसा लगे रहना देना चाहोगे कि इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा, कभी कोई शेयर बेच दिया, कभी दूसरे शेयर खरीद लिया, ऐसा कुछ करोगे? हाँ सर, हम ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे कि हाँ खरीदा और बात खत्म। ऐसे कुछ करवाने वालों में कि कब रिबैलेंसिंग करना अच्छा है, कब रिबैलेंस, कब हम लोगों को थोड़ा सा पैसा शेयर बेच देना चाहिए, बॉन्ड खरीद लेना चाहिए, या बॉन्ड से बेच देना चाहिए, शेयर खरीद लेना, ऐसा कुछ करवाऊंगा मैं। ठीक है, इसी का नाम है पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। एक पर्टिकुलर टाइम में रिबैलेंसिंग होगा, या तो मंथली होगा या ईयरली होगा, कैसे होगा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो ऐसा लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझोगे, ये एक पर्सन ले लेते हैं राम। ठीक, अब राम से मैंने बोला, भैया राम आप पैसा लगाना चाहते हो, आपके पास पैसे कितने? बोले हमारे पास ना 2 लाख रुपए लग। मैंने कहा ठीक है, तो 2 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो कि? बोले हाँ। मैंने कहा शेयर खरीद लीजिए। बोले नहीं, शेयर नहीं, क्योंकि शेयर तो रिस्की है। तो मैंने कहा भाई रिटर्न भी तो मिलेगा ना ज्यादा? बोले नहीं, मैं ऐसा करने वाला हूं, कुछ पैसे में शेयर्स में लगा देता हूं 1 लाख, और कुछ पैसे बॉन्ड्स में लगा देता हूं 1 लाख। तो मेरा जो वेल्थ है ना, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 2 लाख रुपए का है। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, मैं बॉन्ड्स को रिस्क फ्री मान रहा हूं। तो बोले मुझे तो 1 लाख रुपए, मेरा शेयर बढ़ेगा तो मेरी वेल्थ भी बढ़ेगी ऑटोमेटिक, और शेयर अगर कम भी होगा, गिरेगा भी, तो भैया पूरा पैसा बर्बाद नहीं होगा, मुझे 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कहा वाह यार, ये भी बहुत अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ, आपका क्या उद्देश्य है? मान लो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शायद 1 माह में शेयर का प्राइस बढ़ जाए, तो क्या आप और शेयर खरीदोगे? बोले नहीं, एक बार खरीद लिया बस, उसके बाद 1 साल बाद पूरा हिसाब किताब होगा। बोले बीच में चाहे शेयर का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, चाहे कितना भी गिर जाए, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, मैंने कहा मतलब आप खरीदोगे और रखोगे? बस बोले मैं खरीदूंगा और रखूंगा। मैंने कहा ठीक
ठीक है। और मैंने कहा अगर शेयर का प्राइस गिर गया, मान लो एक माह बाद शेयर का प्राइस बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया, तो बेच देना ना शेयर यार। बोले नहीं बेचूंगा, बस मेरा टारगेट ही है कि मैं खरीदूंगा और रखूंगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, दिल बिल्कुल सारी बातें सुनोगे। और एक पर्सन के पास गए मैंने, सर इसका नाम क्या? इसका नाम है बेटे श्याम। मैंने कहा श्याम आपके पास? बोले मेरे पास भी 2 लाख रुपए। मैंने कहा आप क्या काम करने वाले? बोले कुछ पैसे मैं भी शेयर्स में लगाऊंगा, 1 लाख रुपए, और कुछ पैसे मैं भी बॉन्ड्स में लगाऊंगा, 1 लाख रुपए। टोटल कितने पैसे लगाऊंगा मैं? 2 लाख रुपए। मैंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा एक बात बताओ, आप भी चाहते हो बॉन्ड्स में और शेयर्स में पैसा लगाए, आपका क्या उद्देश्य है? बोले मैं भी ऐसी जैसा राम बोल रहा वैसे मैं भी करूंगा। मैंने कहा इट मीन्स आप खरीद के रखोगे? बोले नहीं, मेरा भी इंटेंशन 1 साल का ही है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन बस एक बात समझ लो, मैं ना बोले रीबैलेंस करके करूंगा। मैंने कहा रीबैलेंस का मतलब कैसे करोगे? बोले कांस्टेंट मिक्स रखूंगा। मैंने कहा समझाओ क्या होगा? बोले देखो ऐसा होगा बाय चांस, अब वो समझाने के जैसे 1 महीने बाद मैं इसको फिर से एनालिसिस करूंगा। अगर शेयर का प्राइस कम हो गया, मान लो शेयर मेरे पास रखा तो आज 1 लाख रुपए का रखा था, 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ अगर शेयर हो गया 80,000 का और बॉन्ड तो मेरा 1 लाख का, मान लो कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं है, तो टोटल मेरा पोर्टफोलियो कितने का हुआ 1 माह बाद? 1,80,000 का। तो बोले इसको मैं रीबैलेंस करूंगा, मतलब इसको इक्वल कर दूंगा। मैंने कहा कैसे इक्वल? बोले मेरा टारगेट है कि शेयर्स में और बॉन्ड में एक जैसा अमाउंट होना चाहिए। मतलब बोले मैं ना फिर 1,80,000 में शेयर्स कर दूंगा 90,000 के और बॉन्ड्स कर दूंगा मैं 90,000 के, इक्वल कर दूंगा, कांस्टेंट मिक्स कर दूंगा। मैंने कहा इसका मतलब ये हो गया, ये शेयर है ना, अगर शेयर का प्राइस कम हो गया बाय चांस, बोले हाँ, तो आप शेयर को और बढ़ाओगे? बोले बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तो मुझे इक्वल करना है। मतलब मैंने कहा आप शेयर खरीदोगे? बोले हाँ मैं शेयर खरीदूंगा अगर शेयर का प्राइस गिर जाता है तो। और मैंने कहा इसका मतलब आप बॉन्ड्स बेचोगे? बोले हाँ, मैं बस अपना जो है ना ये कांस्टेंट मिक्स करूंगा। मैंने कहा इससे आपको क्या फायदा? बोले फायदा वायदा बात की बात है, अभी मैं एक पर्सन और आ जाता फिर हम पूरी बात करें। मैंने कहा अच्छा साहब राम श्याम एक बात और बताओ, अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाता 1,20,000 हो जाता शेयर का, शेयर का प्राइस 1,20,000 हो जाता और बॉन्ड्स तो 1 लाख रुपए ही रहते, मैं नो इंटरेस्ट पेबल मान के कर रहा हूं अभी, तो टोटल फिर पोर्टफोलियो तो आपका 2,20,000 का होता। तो फिर क्या करते? बोले फिर इस 2,20,000 को मेरा कांस्टेंट मिक्स होना चाहिए। मतलब शेयर में मैं 1,10 रख लेता और बॉन्ड्स में उसमें भी 1,10 मेंटेन करता। मतलब मेरा जो मिक्स है ना वो कांस्टेंट एक जैसा होना चाहिए, 50-50%। मैंने कहा वाह इसका मतलब है अगर शेयर का प्राइस बढ़ा तो आप शेयर बेच दोगे? बोले हाँ फिर मैं शेयर बेच दूंगा और पैसा बॉन्ड्स में लगा दूंगा। मैंने कहा अच्छा ये बात समझ में आई, मतलब शेयर का प्राइस गिरेगा तो आप शेयर क्या करोगे? बाय। और मैंने कहा शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप शेयर क्या कर दोगे? बेच दोगे। बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा अभी आपसे बात करता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी एक और पर्सन ले लेते सर। उस पर्सन का नाम क्या है? उस पर्सन का नाम लेते मोहन। मैंने कहा मोहन आप भी बताओ यार अपने विषय में। बोले मैं भी ऐसे ही करूंगा, कुछ पैसे किस में लगाऊंगा मैं? शेयर्स में। कितना रुपए? बोले मैं भी 1 लाख रुपए। और मैंने कहा यार बॉन्ड्स में भी लगाओगे फिर तो आप? बोले हाँ जब सब लगा रहे तो भाई मैं भी लगाऊंगा 1 लाख रुपए। तो टोटल मेरा 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनेगा और मेरा भी उद्देश्य है 1 साल। मैंने कहा 1 साल में जैसे अगले महीने, 1 साल तो अभी टाइम है, मान लो आज खरीदा आपने और अगले महीने कुछ कम ज्यादा होता तो आप कुछ करोगे कि? बोले हाँ। बोले ऐसा है कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का प्राइस
बढ़ेगा। तो भाई शेयर मार्केट में तो उछाल है, तो शेयर खरीद लेना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा शेयर। मैंने कहा ठीक है, अगर शेयर का प्राइस गिरेगा साहब तो बोले जो चीज गिर रही है उसको कौन खरीदेगा, तो जो चीज डाउन हो रही है भैया उसको बेचकर निकलो वहां से। तो बोले फिर क्या करूंगा, मैं सेल कर दूंगा शेयर। मैंने कहा अच्छा, ये आपका कहना है। बोले हर महीने में ऐसा रिबैलेंसिंग में भी करूंगा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, तो तीन लोग हैं, मैं देखना चाहता हूं कि कौन इंटेलिजेंसी वाला काम कर रहा, मोहन कर रहा है कि श्याम कर रहा है कि राम कर। मैंने कहा राम भाई आप कुछ भी नहीं करोगे। बोले बस मैं कुछ नहीं करूंगा, ये पागल हो गए दोनों लोग, हर महीने चेंज कर रहे, क्या जरूरत है यार, बस खरीदो रख लो बात खत्म। अच्छा, मैंने कहा आप जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो इसका कुछ नाम रखा जाए। और मैंने कहा इसका नाम रखो, आप खरीद के होल्ड करने वाले, तो इसको मैं वो नाम दे रहा हूं बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रेटजी है बाय एंड होल्ड, ये भी कोई स्ट्रेटजी हुई यार, खरीदो रखो। और ये बोलता है कि मेना जो मिक्स है ना, ये मिक्स हमेशा मेंटेन करते हुए चलूंगा चाहे कुछ भी हो। तो आपका नाम क्या रखे, आपका पोर्टफोलियो का नाम रखे कॉन्स्टेंट मिक्स। और मोहन मैं तो आपसे आराम से बात करता हूं, पहले इन लोगों के मैटर पे बात करूं कि आखिर ये क्या क्या कर रहे हैं। अब सुनो बेटी क्या हुआ, समझना है। शेयर का प्राइस ऐसे हो रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ा, डाउन, गिरा, फिर कुछ दिन बाद बढ़ा, अगले माह फिर गिरा, फिर अगले माह बढ़ा, फिर अगले माह गिरा, ऐसा बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा। अब राम सोच रहा है यार, शेयर का प्राइस बढ़ा राम खुश, शेयर का प्राइस गिरा राम दुखी, राम को तो कुछ कर ही नहीं रहा, बड़ा कम हुआ बड़ा कम हुआ, हर साल मतलब हर महीने 10,000 से बढ़ा 10,000 गिरा, 10,000 से बढ़ा 10,000 गिरा, 10,000 से बढ़ा 10,000 गिरा। एक साल बाद सोचो, राम सोच रहा चलो मेरा कितना पोर्टफोलियो बैलेंस था, राम का था 2 लाख, और 2 लाख ही है क्योंकि राम भाई साहब ने कुछ भी नहीं किया। और बीच में कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हुआ मार्केट, राम सोच रहा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कुछ बढ़ा ही नहीं, बढ़ा तो पर फिर अगले महीने कम भी हो गया, फिर बढ़ा फिर कम हो गया, तो ये जहां की वहीं रह गया। राम 2 लाख था 2 लाख ही है, थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह, मैं इंटरेस्ट की बात में मान के चल रहा हूं कि बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस हिसाब से। राम बड़ा दुखी, यार ये क्या हो गया, मैं 2 लाख लेकर चला था एक साल पहले और आज भी मेरे पास 2 लाख रुपए ही। श्याम खुश, श्याम देख रहा, देखो बेटे श्याम, श्याम श्याम की क्या स्ट्रेटजी थी, जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो राम बेच देगा, जब शेयर का प्राइस कम होगा तो राम खरीद लेगा। तो क्या हुआ होगा इस जो मार्केट चला है ना उसके हिसाब से, शेयर का प्राइस बढ़ा राम ने, जैसी बढ़ा राम ने बेच दिया, शेयर का प्राइस कम हुआ, जैसी कम हुआ राम ने खरीद लिया, फिर बढ़ा राम ने बेच दिया, फिर कम हुआ राम ने खरीद लिया। कम में खरीद रहा है महंगे में बेच रहा है, शेयर कम में खरीद रहा है महंगे में बेच रहा है, कम में खरीद रहा है। तो एक साल बाद ये तो कमाकर निकल गया श्याम, देखा, ये देखो बेटे ये फायदे की बात है। अच्छा, तो इससे अच्छा ये है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसा हो रहा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, रेंज एक रेंज के अंदर ही अप डाउन हो रहा है, तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, ये तो जहां थे वहीं है, और ये लोग ये भाई साहब तो ये तो कमा कर निकल जाएगा। बोले वाह कितना अच्छा है यार, ऐसा मार्केट है तो मुझे तो फायदा ही फायदा। अब मोहन की बात करते हैं, ऐसी अप डाउन वाले, शेयर का प्राइस बढ़ा राम ने खरीद लिया, शेयर का प्राइस कम हुआ राम ने बेच दिया, ओहो गड़बड़ हो रहा है। खरीद कब रहा है, जब प्राइस बढ़ा, महंगे में खरीद रहा है सस्ते में बेच रहा, महंगे में खरीद रहा है सस्ते में बेच रहा, महंगे में खरीद रहा सस्ते में बेच रहा, ये तो बर्बाद हो गया, ये तो बिट्टे बर्बाद है, क्योंकि महंगे में ये तो और भी ज्यादा। सबसे बुरी हालत किसकी है, मोहन की है। क्यों मोहन की बुरी हालत है, क्योंकि ये भाई साहब ये तो राम तो ठीक भी है, इसने कुछ किया ही नहीं,
और ये तो फायदा कमा कर निकल गया। और मोहन भाई साहब देख लो, इसकी तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग अलग गई, ऊपर से सब उल्टा सीधा काम कर दिया। महंगे में खरीद रहा है, सस्ते में बेच रहा, कौन फायदे में? सर श्याम फायदे में, बिल्कुल सही, श्याम फायदे में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा, ठीक है जी। और सर इसका भाई साहब का क्या है? राम राम तो जहां थे वही है। अब आगे बात करो, लेकिन मार्केट ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो अप 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 बड़ा 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 बड़ा, तो क्या होगा? ये खुश, राम खुश, क्यों खुश? क्योंकि बढ़ रहा है, बढ़ रहा, शेयर का प्राइस बढ़ रहा, तो इसका पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा, पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा, बहुत खुश हो रहा राम। श्याम के साथ क्या हाल है? श्याम तो अब देखो बेटे, श्याम की बेवकूफी, बोलो क्या हो रहा है? सर शेयर का प्राइस बढ़ा, भाई साहब ने शेयर बेच दिए और बॉन्ड में पैसे डाली, और शेयर का प्राइस बढ़ा, और शेयर बेच के बॉन्ड में पैसे डाली, और शेयर का प्राइस बढ़ा। मतलब यार बेवकूफी नहीं लग रही, जो चीज बढ़ रही है आप उसी को बेच के बॉन्ड, जो चीज बढ़ती है ना आप उसमें पैसे डालना चाहिए, आप उसमें से पैसे निकाल के बॉन्ड्स में डाल रहा। और ये तो शेयर का प्राइस बढ़ा तो आपने और शेयर खरीदा, बिल्कुल सही, वाओ मोहन कितना अच्छा काम, और बढ़ा तो और शेयर खरीदा। तो इस मामले में कौन अच्छा है? मोहन कौन सबसे खराब दिख रहा है? ये और एक वजह, अगर शेयर का प्राइस ऐसा हो रहा है यूनि डायरेक्शन डाउन 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 डाउन, राम तो खाली हाथ थे, उसको मालूम है भैया डाउन 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 भी हुआ है ना तो बर्बाद हो जाए शेयर में, तो कुछ कर ही नहीं रहा, मुझे तो बॉन्ड्स मिलेगा ही मिलेगा। श्याम के साथ क्या हालत? शेयर का प्राइस डाउन, तो जैसे शेयर का प्राइस कम हुआ इसने और शेयर खरीद लिया, शेयर का प्राइस और कम हुआ फिर बॉन्ड से पैसे निकाल के और शेयर खरीदा, फिर शेयर का प्राइस और बॉन्ड से। तो एक समय अगर मान लो शेयर का प्राइस कम 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 होते गया तो ये बॉन्ड खाली करते गया, और जिधर बर्बाद हो रहे हो जिधर बर्बाद उधर ही और पैसे लगा रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफी है। और ये भाई साहब शेयर का प्राइस कम हुआ, शेयर बेच दिया और बॉन्ड में पैसे डाल दिया, भैया जो चीज कम जा रही है, जो जहां बर्बाद हो रहा है वहां से निकलो और बॉन्ड में डालो, ये अच्छा। सर ठीक है, इट मींस कहा नहीं जा सकता कौन अच्छा, हाँ कहा नहीं जा सकता कौन अच्छा, सोच के बताना। अगर शेयर का प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा है, अप डाउन रेंज में, एक रेंज के अंदर अप डाउन होता है, तो कौन सबसे अच्छा? ये तो मिडी कॉल, या आप ऐसा बोल सकते एवरेज परफॉर्मेंस। सर इसका क्या हाल है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जैसे अप हुआ शेयर इसने क्या किया, जैसे अप हुआ शेयर उसने खरीद लिया, डाउन हुआ तो शेयर बेच दिया, मतलब महंगे में खरीद के सस्ते में बेच रहा है, ये सबसे खराब परफॉर्मेंस है इसका। और ये फायदा कम, बेस्ट परफॉर्मेंस अगर शेयर अप डाउन हो रहा था, सोच कर देखो आपको ऑटोमेटिक समझ। लेकिन अगर यूनि डायरेक्शन मार्केट अप 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 या फिर डाउन 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 डाउन, इसका तो एवरेज परफॉर्मेंस अप 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 या डाउन 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 डाउन, तो ये सबसे खराब, क्योंकि जैसे ही डाउन हो रहा है सुनते जाना, बस जैसे ही डाउन हो रहा है आप शेयर खरीद रहे हो, मतलब जिधर डाउन हुआ आप उधर ही की चीज खरीद रहे हो, आप तो एक समय जीरो पे पहुंच जाओगे, और ये सबसे अच्छा। और एक बात सोच के बताना, क्या इसमें मिनिमम पैसा मिलेगा? फ्लोर है, हाँ। अगर मैं बात करूं इसका क्या कंडीशन है, सोच के बताना बेटा इसकी कंडीशन। मान लो यहां प्राइस हो गया शेयर का प्राइस, और यहां हो गया वेल्थ, वेल्थ का मतलब बॉन्ड और इक्विटी मिलाकर 2 लाख रुपए। जैसे जैसे शेयर का प्राइस, 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 लाख रुपए, और जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा इसकी वेल्थ भी बढ़ती जाएगी उसी रेशियो में, तो ये इसका जो पे ऑफ हो ना वो लीनियर रहेगा, लीनियर। फ्लोर है, मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। श्याम की बात करो, श्याम के साथ सिचुएशन है, अगर शेयर का प्राइस कम हुआ ना आप बॉन्ड खाली करोगे और शेयर खरीदोगे, फिर बॉन्ड्स खाली करोगे फिर शेयर खरीदोगे, तो आप तो जीरो पे भी पहुंच जाओगे, और जीरो पे पहुंचोगे, जीरो पर, ठीक है बेटे जीरो पे, हाँ। और शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा, ये बढ़ेगा शेयर का प्राइस, तो नो डाउट कि आपका वेल्थ भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या कर रहे हो, जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा आप शेयर बेचोगे, मतलब आपका लीनियर नहीं आएगा, आपको फायदा तो होगा इस तरह से शुरू में ज्यादा
और फिर धीरे धीरे आप तो जो चीज बढ़ रही उसी को बेच रहे हो, तो ये ऐसा पे ऑफ बन जाएगा जिसको बोलते कॉनकेव, ऐसा पे ऑफ। क्योंकि भाई फायदा तो बेटे बस यही बात है कि यहां क्या होगा, सुनते जाना। यहां ये हो रहा है कि भाई आप अगर शेयर का प्राइस गिर रहा है तो आप वापस शेयर ही खरीद रहे हो, अगर वापस शेयर ही खरीद रहे हो तो भाई शेयर का प्राइस गिरा, आपने फिर बॉन्ड से निकल के शेयर में डाला, फिर शेयर का प्राइस गिरा, फिर बॉन्ड, तो बॉन्ड भी खाली कर दिया और इधर शेयर भी खाली हो गया, तो आपका तो फ्लोर है ही नहीं, आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, फ्लोर का मतलब, फ्लोर का मतलब मिनिमम वैल्यू। सर इसका क्या सिचुएशन है? अच्छा सर इसको क्या बोलते बेटे, इस पे ऑफ को बोलते लीनियर, इसको बोलते कॉनकेव, कॉनकेव ठीक है। और यहां बढ़ रहा है सर, कॉनकेव क्यों बोल रहा है, ये पे ऑफ ऐसे ही क्यों आया? तो मैं फिर से बता रहा हूं ऐसा क्यों आया, क्योंकि शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो वेल्थ भी बढ़ेगा, पर जैसे शेयर का प्राइस बढ़ा आपने शेयर ही बेच दिया भाई, तो फिर जो बढ़ेगा ना उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि जो चीज बढ़ रही है आप उसी को बेच रहे हो। हाँ इसका पे ऑफ, सवाल ये है क्या जीरो हो जाएगा? नहीं जीरो नहीं होगा इसमें। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि सुनो, अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो आप शेयर बेच दोगे भाई, जो चीज कम हो रही है उसको बेचो और आप बॉन्ड में पैसे डाल दोगे, फिर शेयर का प्राइस गिरा, शेयर गिर, तो मतलब आपको बॉन्ड का पैसा तो मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा। ठीक है यहां तक? हाँ तो मिनिमम मिलेगा, फ्लोर तो है यहाँ। अब सवाल है ये कैसे होगा, शुरू में क्या होगा बाद में क्या होगा, बस यही बात समझना है हमको। धीरे धीरे शेयर का प्राइस बढ़ा, शेयर का प्राइस बढ़ा तो आपने वापस शेयर ही खरीदा, फिर शेयर का प्राइस बढ़ा, फिर शेयर खरीदा, तो अब की बार इसका पे ऑफ कैसे जाएगा? इसका पे ऑफ इस तरह से जाएगा, धीरे 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 अपोजिट ऐसे जाएगा इसका पे ऑफ। ठीक, बढ़ेगा और स्पीड से बढ़ेगा, और स्पीड से बढ़ेगा, और स्पीड ऐसे इस तरह से जाएगा इसका पे ऑफ। इसको बोलते कन्वर्स, कन्वर्स। ये क्या है? कॉनकेव। और ये क्या, क्या इसमें फ्लोर है? मिनिमम मिलेगा, यस। क्या इसमें मिनिमम? नो फ्लोर। क्या इसमें? इसमें भी फ्लोर है। तो सर इसका नाम क्या है? बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। इसका नाम क्या? कॉन्स्टेंट मिक्स, मिक्स। तो इसका भी तो नाम होना चाहिए, इसका नाम है CPPI। फुल फॉर्म क्या होगा? कॉन्स्टेंट प्रपोर्सन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, ये नाम है सर। कैसा लगा ये नाम सर? पसंद नहीं आया बेटे, पर क्या करें, मजबूरी है, आपको ये नाम याद करना पड़ेगा। अब हमारे एग्जाम में आएगा कि कितने टाइप की स्ट्रेटजी है, तो तीन टाइप की। कौन कौन सी? बाय एंड होल्ड, कॉन्स्टेंट मिक्स एंड CPPI। बाय एंड होल्ड सबसे सिंपल, कुछ करना नहीं पड़ता, खरीदो और रखो। सर कॉन्स्टेंट मिक्स में क्या होता है? जैसे शेयर का प्राइस गिरेगा तो खरीद लेना, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो बेच देना। सर ये याद कैसे रहेगा? सुनो हम लोगों को ना बैलेंस रखना, कितना 1-1 लाख था, अब 1,80,000 हो गया ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा 90-90,000। तो सुनो बैलेंस में जैसे याद रखें ना, बैलेंस अगर शेयर का प्राइस कम हो गया, मतलब शेयर वैल्यू कम हो गई, तो हम बॉन्ड से निकाल के बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो शेयर का प्राइस कम होने पे आप बॉन्ड से निकाल के शेयर में डालोगे, मतलब शेयर खरीदोगे, याद रहेगा। बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट से बैलेंस करना है। ठीक, तो बैलेंस कब होगा? जब शेयर का प्राइस गिरेगा ना, गिरेगा तो आपको शेयर खरीदना पड़ेगा, तभी तो इक्वल हो जाएगा। हाँ सर, और शेयर का प्राइस बढ़ेगा, मान लो शेयर का प्राइस बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो आपको शेयर का निकाल के बॉन्ड में डालना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। जी हाँ, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो शेयर बेच दोगे, बॉन्ड खरीद लोगे। इसमें क्या होगा? इसमें जस्ट अपोजिट। और भी बात करते हैं, क्या इसमें फ्लोर है? हाँ। क्या इसमें फ्लोर है? जीरो अपसेंट। क्या इसमें फ्लोर है? फ्लोर का मतलब मिनिमम बैलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ही मिलेगा। और भी बात करते हैं इसके अलावा, ये इसका पे ऑफ कैसा लेगा? लीनियर, लीनियर समझते हो, शेयर का प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा वेल्थ भी उसी रेशियो। इसका पे ऑफ क्या रहेगा? इस तरह से। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉनकेव, और इसका पे ऑफ कन्वर्ज। ये सब शब्द आपको लिखना है भाई, लिखना है, न्यू सिलेबस वालों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओल्ड सिलेबस में भी ये थ्योरी थी। ठीक है सर, ये कौन सा अच्छा है? इसका परफॉर्मेंस एवरेज, औसत दर्जे का है। अच्छा सर, सर इसका परफॉर्मेंस कब अच्छा होगा? जरा सोचते, अगर मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस, ये खराब?
क्यों खराब? अप हुआ तो भाई आप महंगे में खरीद लिए, सस्ते में बेच रहे हो, बेवकूफी है। लेकिन मार्केट यूनिडायरेक्शन है, रेंज बाउंड नहीं है, यूनिडायरेक्शन, अप 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 अप, तो कौन सा अच्छा? और डाउन 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 ऐसा हो रहा, तो ये सबसे खराब, ये सबसे अच्छा। बस थोड़ी बहुत बातें जो लिखना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दो सेक्शन में काम करेंगे। अब मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, फिर मैं अच्छी तरह से लिखवा दूंगा आपको। तो दो क्वेश्चन बनाने हैं, थ्योरी लिखनी है, और हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, लिखोगे एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम, नाम से ही लग रहा सजेस्ट, पोर्टफोलियो हैज टू बी रिबैलेंस। रेगुलरली पोर्टफोलियो हैज टू बी रिबैलेंस रेगुलरली एज प्राइस कीप ऑन चेंजिंग, एज प्राइस कीप ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आपको रिबैलेंस करना पड़ेगा। आगे लिखोगे वी विल डिस्कस पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, इन टू सेक्शंस, हम टू सेक्शंस में काम करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर वन, जिसमें हम बात करेंगे थ्योरी की, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैं थ्योरी की स्पेशली पढ़ा रहा हूं। और सेक्शन नंबर टू में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले है सेक्शन नंबर वन, और बात हो रही है थ्योरी, तो लिखोगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी। तीन टाइप की हैं, पहला बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, सेकंड मोहन के विषय में बात करो, कांस्टेंट मिक्स स्ट्रैटेजी, और थर्ड कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। पर ना जब हम बनाएंगे तो इसको सीपीपीआई बोलेंगे, इतना बड़ा नाम थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, सीपीपीआई कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस।
तो अब इनके विषय में एक साथ ही लिखते हैं, ठीक है। तो थियोरी वाला पार्ट अभी कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे, वो ज्यादा अच्छा। तो तीन लिख लेते हैं, पहला जो कॉलम है तीनों के विषय में एक साथ लिख लेते हैं। यहां जाएगा पर्टिकुलर्स, इसी के नीचे ना एक टेबल बना लेना पर्टिकुलर्स। पहला कौन सा था हमारा, सब बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड। दूसरा कौन सा था हमारा, कांस्टेंट मिक्स, और तीसरा कौन सा था, सीपीपीआई, मोहन वाला, ठीक। चलो जी, पहला काम काम की चीज लिखाऊंगा, बाकी आप शब्द अपने हिसाब से सेट कर लेना। वैन, प्राइस ऑफ शेयर, राइस, अगर बढ़ता शेयर का प्राइस, एरो का निशान दे देता हूं ताकि हमें याद रहे। क्या करोगे, बाय एंड होल्ड में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, भाई कुछ नहीं, एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, डू नथिंग। सर कांस्टेंट मिक्स में क्या करेंगे, कांस्टेंट मिक्स अब मुझे भी याद नहीं, जरा सोचते, कांस्टेंट मिक्स में शेयर का प्राइस बढ़ा तो इसका मतलब हमको शेयर की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो शेयर बेच के बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, तो शेयर बेच, सेल शेयर, और ये कहता कि जो बढ़ेगा वो खरीदो ना भाई, बाय शेयर्स, बॉन्ड के विषय में नहीं लिखना आपको, ठीक है सर। दूसरा डिफरेंस, व्हेन प्राइस ऑफ शेयर फॉल, तो यहां क्या करना पड़ता, कुछ नहीं, डू नथिंग। यहां क्या करोगे, क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, कांस्टेंट मिक्स, प्राइस गिर मतलब शेयर कम हुआ, शेयर कम हुआ तो बॉन्ड बेचकर शेयर खरीदेंगे, मतलब बाय शेयर, अपोजिट। और ये क्या बोलता, भाई जो गिर रहा है उसको बेच के निकलो बाहर, सेल से। थर्ड, फ्लोर अवेलेबल, फ्लोर का मतलब क्या बोला था मैंने, मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या यहां फ्लोर अवेलेबल है, यस, प्रेजेंट, और सर यहां यहां अब्सेंट, सर क्यों अब्सेंट, बेटे डिस्कस किया हुआ हूं, कम हुआ आपने फिर वही चीज खरीदा, मतलब फिर कम हुआ फिर आपने वही चीज खरीदा, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जिधर आप बर्बाद हो रहे हो उधर ही और पैसे लगा रहे हो, तो आप तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। और यहां क्या जाएगा, प्रेजेंट, ठीक है। फोर्थ, टाइप्स ऑफ पे ऑफ, तो पे ऑफ कैसा बनेगा, तो इसका पे ऑफ याद है, ऐसा था और ऐसा था, ठीक है ना, ये वेल्थ, और यहां क्या था, प्राइस ऑफ शेयर, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वेल्थ भी बढ़ेगी, वेल्थ। ऐसे पे ऑफ को क्या बोला जाता है, ऐसे पे ऑफ को बोला जाता है लीनियर, उसी रेशो में। यहां क्या सिचुएशन थी,
यहां ऐसा था कि यहां से स्टार्ट होगा, यहां तो नहीं, यहां से स्टार्ट होगा, और ये शुरू में तो ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन भाई जो चीज बढ़ रही है उसको बेच रहे हो, तो ये ऐसा झुक जाएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक सर, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे पे ऑफ को, ऐसे पे ऑफ को बोलते हैं कॉनकेव। याद रखना कि ये शब्द लिखना पड़ेगा, कॉनकेव। अच्छा सर, सर अच्छा इसमें क्या था? इसमें ऐसा था कि फ्लोर तो होगा, और जो चीज धीरे 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 ये ऐसा बढ़ेगा, क्योंकि जहां शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप शेयर में ही तो पैसा डालोगे, तो ये स्पीड से बढ़ेगा अगली बार। ऐसे पे ऑफ को क्या बोलते हैं? कन्वर्स, कन्वर्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में मालूम है क्या था? यूनिडायरेक्शन मार्केट है, अगर यूनिडायरेक्शन मार्केट का मतलब क्या समझ रहे हो? मालूम है, अप 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 या फिर डाउन डाउन डाउन, ऐसा मार्केट। तो सर इसका पे ऑफ, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? एवरेज, एवरेज, एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज। और स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करूं तो आपके प्रैक्टिस में लिखा मिडिको परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस या मिडिको परफॉर्मेंस। अब इन्हीं पर डिपेंड करता कि कौन सा अच्छा। अप 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 डाउन, बर्बाद, और वही चीज खरीद रहा, फिर डाउन, और तो ये इसका क्या होगा? इसका तो ये सबसे खराब, वर्स्ट परफॉर्मेंस। और ये क्या हो जाएगा? बेस्ट, बढ़ा तो आपने और शेयर खरीदा, शेयर फिर बढ़ गया, तो बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन मार्केट ऐसा है, सिक्स रेंज बाउंड, रेंज बाउंड मार्केट मतलब अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, ऐसा अप डाउन उसी एक ही रेंज के अंदर है। तो इसका परफॉर्मेंस मिडी को, मिडी को मतलब एवरेज। अप डाउन यहां बेचकर निकलोगे आप, बेस्ट परफॉर्मेंस। और ये सबसे खराब, वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो ये था सेक्शन नंबर 1 जिसमें हमको थ्योरी करना था। याद रखना ये जो शब्द लिखवा रहा हूं, कन्वर्ज, कॉनकेव, लीनियर, फ्लोर, ये पे ऑफ, अगर ये बनाकर बता देते हो ना, थ्योरी का अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, 100% पूरे नंबर मिलेंगे। बस इतना ही लिखना, और कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, मैंने ये एरो वैरो देखा दे रखा, तो आप अपने शब्दों में लिख दोगे, ज्यादा अच्छे से लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो अब सेक्शन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।